आज 22 नवंबर 2022 मंगल के दिन इरफान भरड़ी तौसीफी कमेटी और अंजुमन मोइनुत तुलबा मालेगांव हाई स्कूल एंड मालेगांव सीनियर कॉलेज इसके इश्तराक से आज बच्चों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर रखा गया। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक रखा गया जो कि नशा मुक्त के ऊपर था। ये दोनों प्रोग्राम जो है तो काफ़ी अच्छे हुए। सुबह वक्त पर प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें डॉक्टर नूर डॉक्टर मिस्टर मुजीब खान और अब्दुल माजिद प्रोफेसर महाराष्ट्र कॉलेज के साबिक वाइस प्रिंसिपल इन्होंने अपनी अपनी स्पीच दी। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे जूनियर कॉलेज के 12th साइंस के लड़के और लड़कियों ने वो लेक्चर अटेंड किया। काफ़ी अच्छा उससे उनको इफ़ेक्ट हुआ। बहुत ही डिसिप्लिन में ये प्रोग्राम हुआ। उसी के साथ साथ सेकंड सेशन के अंदर हमारे आर्ट्स कॉमर्स के लड़के और लड़कियों ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उनको भी मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया जो कि काफ़ी कारामद रहा। और बार लास्ट में नशा मुक्त जो नुक्कड़ प्ले रहा वो तो बहुत ही अच्छा रहा। सभी ने उसको महसूस किया और उसके एक एक जुमलों के अंदर जो है तो सबक था। मैं जो है तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त पर आए, वक्त निकाल कर भिवंडी से मालेगांव का सफ़र किया और हमारे बच्चों को जो है तो एक अच्छी फैमाइश की। मैं मालेगांव हाई स्कूल अंजुमन मोइनुत तुलबा और सीनियर कॉलेज की तरफ से इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव में ATT हाई स्कूल और मालेगांव हाई स्कूल में कल और आज दो दिनों में मोटिवेशनल लेक्चर्स का इनेकाद किया गया। इन लेक्चर्स की ज़रूरत आजकल इसलिए भी ज़्यादा है कि मुकाबले हर फील्ड में ज़्यादा हो गए हैं और मुकाबलों में कामयाबी के लिए बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन्हें उभारना और बच्चों को ख़ुद उनका एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन का मतलब ही होता है कि बच्चों को जज्बाती तौर से, बच्चों को ज़हनी तौर से, बच्चों को अखलाकी तौर से नए मामलात को, नए मसाइल को समझने और उन्हें हल करने का मौका मिले। तरगीबी लेक्चर के ज़रिए आज ये कोशिश की गई कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन्हें उनका एहसास दिलाना, उन्हें उभारना, उनका इस्तेमाल करना और उसकी बुनियाद पर तरक्की हासिल करना, ये इस प्रोग्राम का मकसद था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ड्रामे के ज़रिए और तकरीरों के ज़रिए और दूसरे मामलात के ज़रिए ये कोशिश की गई कि बच्चे और असातिज़ा भी तरगीब पाएँ और ज़िंदगी में कामयाब हों।